नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य राजमणि जी मौजूद हैं। हम कई बिंदुओं पर उनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें की हैं, हम जानेंगे आरक्षण क्यों। आरक्षण एक तो हमारा संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण की परिकल्पना संविधान में इसलिए की गई कि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी उसके आधार पर कुछ समाज की भागीदारी नगण्य थी और उनकी भागीदारी नगण्य थी जो हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। ये गरीब ही था जो आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया था। बड़े बड़े धन कुबेर पूंजीपति लोग आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे। तो जब कांग्रेस पार्टी हमारी सत्ता में आई तो उसने कहा कि जो हमारे साथ देश के लिए कुर्बानी देने में जो समाज रहा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, उसको हम आरक्षण के माध्यम से राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएंगे। इस वजह से आरक्षण का प्रावधान रखा गया। राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएंगे, ये तो हुई आरक्षण की बात। आज आपने पत्रकार वार्ता में एक प्रेस विज्ञप्ति बांटी है, उसमें डेली कॉलेज इंदौर और सिंधिया कॉलेज ग्वालियर का नाम लिया, तो क्या ये माना जाए कि आगामी चुनाव को देखते हुए आपने सिंधिया जी पर उंगली उठाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मांग हमारी एक लंबे समय से चली आ रही है कि विषमता को दूर करने के लिए, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हर जगह माने भागीदारी सुनिश्चित करना देश के लिए ज़रूरी है। इस वजह से मुद्दा मैंने उठाया है, एक लंबे समय से उठा रहे हैं। लेकिन सवाल सिंधिया जी के स्कूल का नाम लेकर निश्चित रूप से एक आरोप है, एक गंभीर आरोप है। और क्या ये माना जाए कि जब वो कांग्रेस में थे तो आरक्षण पर काम नहीं करते थे? नहीं, उनका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वो विद्यालय जो है उन विद्यालयों की सूची में शामिल है, इस वजह से उस विद्यालय का नाम लिया जा रहा है। उसमें सिंधिया उसका कोई सवाल नहीं है। अभी पिछले दिनों अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय मामला सामने आया है। उस नियुक्तियों में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति ने भी जांच के आदेश दिए हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, कितना गंभीर इस बात को मानते हैं? क्या ये मानते हैं कि व्यापम की तरह का कि ये मामला भी नहीं? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और व्यापम का उदाहरण तो है ही है, सब जानते हैं। उसमें ज़्यादा हम कहना नहीं चाहते कि किस तरह से हुआ। एक सुनियोजित तरीके से पूरी योजनाबद्ध योजना बना करके ये किया गया था, जिसमें सबसे अधिक हमारे जो गरीब परिवारों के जो बच्चे थे, बच्चियां थी, जो प्रतिभावान थे, उनकी प्रतिभाओं की हत्या हुई है। और पैसे के आधार पर धन कुबेरों के बेटे जो अपात्र थे, अयोग्य थे, उनको नौकरी मिल गई। उसी तरह का षड्यंत्र का शिकार माने यहाँ पर भी परंपरा हुई है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में। इसके निश्चित रूप से गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें गंभीरता से जांच करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, गरीबों का गद्दार नहीं मारा जाए। कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से गंभीर मुद्दा। एक बड़ा सवाल, बड़ा सवाल, जिस तरीके से कोरोना देश में इस समय रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, लॉकडाउन की सारी स्थितियां खत्म कर दी गई हैं, देश मार्च में जिस तरीके से था उस तरीके से वापस आ गया है, ट्रेनों का परिचालन चालू हो गया, बस का चालू, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो कोरोना का घटनाक्रम, महामारी का सवाल है, निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है, सारे देश में है, इस देश के लिए भी गंभीर चुनौती है। और राजनैतिक परिदृश्य से हट करके हम सब लोगों ने इसको राष्ट्रीय आपदा मान करके हम लोगों ने सरकार के कदमों का समर्थन किया और कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने जहां कमी हुई है, सरकार जो भूल हुई है, उसको हम सरकार को ध्यान न दिलाएं। निश्चित रूप से कोरोना के मामले में सरकार की लापरवाही और गंभीर न होना एक सबसे बड़ा परिणाम रहा जो कोरोना की स्थिति इस देश में हुई है। वे पूछना चाहते हैं कि कोरोना का वायरस विदेश से आया है और विदेश से आया है तो उनके माध्यम से आया है, जो लोग हमारे देश के विदेश में रहते थे, नौकरी करते थे, काम करते थे, पढ़ाई करते थे, उनको जब भारत लाया गया, सरकार ने बड़ी उदारता दिखाई, प्लेन स्पेशल भेज करके उनको हिंदुस्तान में बुलाया। इसका कोई विरोध नहीं है, अपने देश के हैं, उनको देश में लाना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उसी समय उनको क्वारंटाइन कर देते
तो शायद ये हालात नहीं होते, लेकिन वहाँ सरकार ने उसको गंभीरता नहीं दिखाई, सरकार ने उनको ला करके छोड़ दिया, वो गांव मोहल्ले घरों में चले गए और कोरोना का वायरस फैल गया, उसके बाद उसको गंभीरता से लिया। तो है ये है देश, उसी की वजह से शायद 40 लाख के ऊपर इस समय पेशेंट है। सवाल ये है कि आज की तारीख में जिस तरीके से सब कुछ सामान्य कर दिया गया, तो क्या आपको लगता है कोरोना और बढ़ेगा या रुक जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से कोरोना की जो स्थिति है आज, जो हमारे जाँच का दायरा है, जितना जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है उतना ही कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। और जब तक ये 123 करोड़ लोगों की जांच का सीमा ख़त्म होगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो तो पूरा एक सर्किल जब होगा, उसके बाद अब जो बीच में माने जांच करने वालों के बीच में फैल रहा है, इसमें से कोरोना के आएंगे। तो इस स्थिति में कोरोना जब तक माने वैक्सीन दवाई नहीं बनेंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा ऐसा हमें नहीं लगता। निश्चित रूप से जब तक कोरोना की दवाई नहीं बनेगी, देश से कोरोना जाने वाला नहीं। हमने ये थे हमारे साथ राज्यसभा सदस्य राजमणि जी, हमने तमाम आज के राजनीतिक हालातों पर बातचीत की। निश्चित रूप से उन्होंने काफ़ी गंभीर बातें की, जिनका साफ तौर से सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी उनका साफ तौर से ये कहना था जब तक वायरस की वैक्सीन नहीं बनेगी दुनिया से कोरोना जाने वाला नहीं है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।